हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप? मैं हूँ प्रणाली और आप देख रहे हैं प्रणु अमेरिकन ब्लॉग। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे एक बुद्धिस्ट माउंटेनसरी है, मीन्स बुद्धिस्ट टेम्पल है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और वो जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ना, वो जंगल में है और उसके आसपास कोई भी गाँव नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो हम जाके देखते हैं वहाँ पर क्या है और कैसा बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पैगोडा देखने के लिए हम तो जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं वहाँ पे रोड है या नहीं है, या हमें माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है वहाँ पे। तो अगर हमारी कार वहाँ तक जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम ठंड में पैदल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम तो पहुँच चुके हैं, हमें अभी यहाँ से एंटर करना है टेम्पल के तरफ। और मैं टेम्पल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यहाँ का आप व्यू तो देख ही रहे हैं कितना साइलेंट है। यहाँ पे बुद्धिस्ट फ्लैग लगाया हुआ है और यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर भी है। तो चलिए अब आगे जाके देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आ चुकी हूँ बुद्धा टेम्पल में और आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जंगल ही है। और हमने तो वहाँ पे कार पार्क किए हैं, क्योंकि यहाँ से टेम्पल तक हम कार से नहीं जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं हमारे इंडिया के जैसे ही यहाँ का बुद्धा टेम्पल है या अलग है, क्योंकि जनरली इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जो जंगल के बीच में हैं। दोस्तों, ये जो आप जंगल देख रहे हैं ना, वो 6400 एकड़ में फैला हुआ है। तो आप लोग तो सोच ही सकते हैं कितना अच्छा और कितना बड़ा जंगल है ये। और ऊपर से इसमें लोग बहुत ज़्यादा कैंपिंग करने के लिए आते हैं, और जो लोग इस रोड से सफ़र करते हैं उनके लिए भी ये रोड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में व्यू पॉइंट बहुत सारे दिखते हैं और अट्रैक्शंस भी बहुत सारे हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से हम जा रहे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं बचपन के बुद्धा का स्टैचू है और बहुत क्यूट दिख रहे हैं बुद्धा। यहाँ पे लोटस के फ्लावर पे खड़े हैं। चलिए अब दूसरी जगह पे भी जाके देखते हैं। ये आप रोड के साइड में देख सकते हैं, यहाँ का मेडिटेशन सेंटर है ये। और बाजू में आपको मॉन्क भी दिख रहे हैं, और ये मॉन्क के आई थिंक घर भी यहीं पर हैं, मीन्स पढ़ा था मैंने यहाँ पर मॉन्क भी रहते हैं। तो हमने तो यहाँ पे अभी मेडिटेशन सेंटर देख लिया है दूर से, अभी हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुकी हूँ टेम्पल के पास। तो चलिए अब आपको पास से मैं टेम्पल भी दिखा देती हूँ। ये नॉर्थ अमेरिका साइड का सबसे पहला पगोडा है, तो इसलिए मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट थी ये देखने के लिए। और जब से मैंने देखा था ये जंगल में है, तो मैं तो तभी से सोच रही थी मैं मुझे कब जाने का मौका मिलेगा। तो अभी कोरोना यहाँ पे बढ़ गया है, तो सोचा अभी जाके विज़िट करके आ जाऊँ। नम्मे हो रंगे क्यों, ये बोर्ड पे सब कुछ लिखा होता है, इवेंट कौन कौन सी है, लेकिन अभी कोरोना चल रहा है, आप सबको तो पता ही है, इसीलिए बहुत सारे इवेंट्स कैंसिल हो गई हैं। और ये पैगोडा को 75 ईयर्स हो गए हैं। चलो, वो पत्थर पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। जापनीज लैंग्वेज है, मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं आता है जापनीज वगैरह, लेकिन फिर भी जाके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग तो विद्या का पेड़ बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और यहाँ पे पूजा करते हैं, तो ये देखिए आप, यहाँ पे स्टिक्स लगी हुई है। और ये तो मुझे नहीं पढ़ना हो रहा है, क्योंकि मुझे जापनीज नहीं आती है। अगर यहाँ पे कोई दिखता है तो मैं पूछती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। दोस्तों, जैसे बुद्धिस्ट स्तूप पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में जहाँ कहीं भी है, वैसे ही स्ट्रक्चर ये वाले स्तूप की भी है। और इसके गोल गोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जगह जगह पे बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हुई है। तो अब हम चलो राउंड मार के देखते हैं कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं बुद्धा की। सियान यहाँ पे आके बहुत बातें करने लगा है।
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना घना जंगल है ये। अभी तो विंटर में पत्तियाँ बहुत कम रहती है, इसीलिए इतना ज़्यादा घना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम फॉल सीजन में आते हैं तो यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छे से दिखता है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा दिखता है। बहुत ही अच्छे हरियाली के बीच में ये स्तूप है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्ति है ये। बुद्धा जब ध्यान करते थे उस टाइम की ये मूर्ति है। चलिए आगे कौन सी मूर्ति है वो भी देख लेते हैं। जी मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा टेम्पल मुझे देखने को मिला है। ये देखिए, ये एक मूर्ति है जहाँ पे वो निद्रा अवस्था में है और पांच भिक्कू जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी पहले, वो पांच भिक्कू भी है यहाँ पे उनके साथ में। ये देखिए, ये बहुत बड़ी है, काफी बड़ी मूर्ति है और आई थिंक ये ऐसी मूर्ति तो हम लोग इंडिया में बहुत बार देखे हुए हैं। सभी बुद्धा टेम्पल में ऐसी मूर्ति होती ही है। वाओ, आप लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा लेक भी बनाया हुआ है। और ये जो टेम्पल है उसका नाम जो है ना पीस पैगोडा है। तो सच में यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, मीन्स बहुत ही अच्छा जंगल है और बीच में पानी, इतना अच्छा एनवायरनमेंट और स्तूप बहुत अच्छा है। ये जो ट्री है उसको ट्री ऑफ पीस बोलते हैं। यहाँ पे हम ध्यान भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस है ये। आगे भी जाके देखते हैं और क्या क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया दिख रहा है ये। यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, पैगोडा की एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे। How are you? Good, how are I'm you? good, thank you. चलो अब ये जो आइलैंड दिख रहा है आप लोगों को छोटा सा, उस पे हम जाते हैं। यहाँ के झील में कमल के भी फूल होते हैं, अभी तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन मैंने इस पे इसके जो वीडियोस देखे थे उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमल के फूल थे। ये अभी यहाँ पे सब जो पेड़ दिख रहे हैं वो सब कमल के हैं। दोस्तों यहाँ पे पूजा हर दिन होती है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क रहते हैं, तो वो लोगों के घर तो मैंने आपको उधर दिखा ही दिए हैं। और इस साइड में भी एक टेम्पल है, बुद्धा टेम्पल है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे उन्होंने क्लोज करके रखा हुआ है, तो हम लोग तो ये देख ही लिए हैं। और यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं और बुद्धा जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी कोरोना के वजह से आप लोग देख रहे होंगे भीड़ नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो दोस्तों आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे और आप कोई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो अमेरिका में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। और दोस्तों मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, नमो बुद्धाय।